तो ये दोस्तों मुझे ये जो टैंकी सी देख लग रही है अंदर की तरफ, ये कटिंग करनी पड़ी थी कमानियों की वजह से। ये कमानिया और टूल बॉक्स टच होता है, तो उसकी वजह से मुझे पैनियर के अंदर कटिंग करनी पड़ी ताकि ज़्यादा पैनियर चौड़ा ना बने और सड़क को ज़्यादा घिर के ना चले। तो अब ये सीट के साथ बिल्कुल अटैच हो जाता है, बहुत बढ़िया लगता है दोस्तों। मैं इसको आपको फिटिंग करके दिखाऊंगा। तो इसका मैं अभी थोड़ी बहुत डिजाइनिंग करूंगा, इसको सजाऊंगा कब्जे वगैरह लगा के, फिर आपको दोस्तों कंप्लीट करके इसको मैं गाड़ी पर आपको लगा हुआ दिखाऊंगा। तो आप देखिएगा बहुत बढ़िया पैनियर बने हुए हैं। तो दोस्तों अपने पैनल फुल रेडी हो चुके हैं भाइयों, मैंने इस पर पाउडर कोटिंग करवा दी है और ये मैंने खुद बन गोल्डन इसको पेंट कर दिया है। कैसा लग रहा दोस्तों? और लॉक वगैरह सब लगा दिए इसमें। ये हमारे बुलेट के पैनियर तैयार हो गए दोस्तों। तो अब इसको दोस्तों मैं बुलेट पे अपनी फिट करके दिखाता हूँ आपको, क्या इसकी फिटिंग है, क्या इसका मैंने जुगाड़ बनाया है। तो दोस्तों जो बाजार से फिटिंग आती है वो इसमें काफ़ी गैप आ जाता है, इसको ये कमानी से दूर हटके लगती है और उसके बाद फिर पैनियर लगता है, तो काफ़ी इसमें गैप आ जाता है। तो उस गैप को मैंने कम कर दिया, बिल्कुल फिटिंग को एकदम साथ कर दिया। ये शोकर से, ये देखिए ये एक पत्ती शोकर से है और एक डिग्गी से है बस, और उसके साथ ये फिटिंग दी है एक कमानी के अंदर से और एक कमानी के बाहर से। यहाँ पर वो बोल्ट टाइट करने का जुगाड़ लगा दिया, नट लगा दिया। और अब मैं आपको पैनियर फिट करके दिखाऊंगा दोस्तों, इसका गैप देखिए कितना कम है। अगर हम बाजार की फिटिंग लेते हैं तो वो फिटिंग यहाँ से चालू होती और फिर यहाँ कितनी दूरी पे पैनियर आता, तो पैनियर काफ़ी चौड़ा हो जाता है। लेकिन मैंने जो ऐसा जो जुगाड़ बनाया इससे बिल्कुल सीट से अटैच रहेगा, ज़्यादा गैप नहीं होगा और ज़्यादा सड़क घिर के नहीं चलेंगे हम। तो दोस्तों मैं फिर आपको इसका पैनियर लगा के दिखाता हूँ। दोस्तों अब हम ये पैनियर फिट करने वाले हैं, देखिए ये स्लॉट बैठ गए दोस्तों, और इसको खोल कर अंदर से ये अपने टाइट कर दो बोर्ड के साथ, इसकी फिटिंग होगी। तो अभी दोस्तों बिल्कुल जाम हो गया, फर्स्ट क्लास। हमारा फिट हो गया, बिल्कुल जाम है, बिल्कुल कोई इसमें ढेरा पर नहीं है, तो मजबूती से फिट है। अब मैं दूसरा भी लगाता हूँ आपके सामने, बिल्कुल सीट के साथ अटैच है, देखिए इंडिकेटर में भी गैप है पूरा। ये दोनों बोल्ट जाकर इसी स्लॉट में बैठेंगे। ये देखिए कितना इजी सिस्टम मैंने बनाया है, जाते एकदम बैठ गया। सिर्फ हार्ड डिस्क को फिट करने में 10 से 15 सेकेंड, 10 से 15 सेकेंड में पूरी फिटिंग हो जाएगी। और दोस्तों दूसरे बॉक्स की तरह ये भी अंदर से ही टाइट होगा, ये देखिए अंदर से इसकी फिटिंग ये हो गई। तो दोस्तों इसको फिट करने में हार्डली मेरे को दोनों पैनल को लगाने में 1 मिनट लगा, 1 मिनट में इसकी फिटिंग है और 1 मिनट में दोनों की पैनल को आप उतार सकते हैं। तो बताइए दोस्तों कैसा लग रहा है? आप देखिए कितनी कम जगह घेर रहे हैं हमारे पैनियर। जो मार्केट में पैनियर मिलते हैं वो जगह बहुत घेरते हैं, सड़क बहुत घेर के चलते हैं, तो हमने सीट के साथ बिल्कुल अटैच करके बनाया दोस्तों इसको। इसकी फिटिंग ऐसी कर दी है कि ये बिल्कुल जगह नहीं घेरेगा और दूसरी सवारी भी इस पर बैठेगी, उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बैठेगी।
बताइएगा दोस्तों ये पैनियर कैसे बने हैं। तो अगर किसी भाई को बनवाने हो तो मुझे ऑर्डर भी कर सकता है या खुद से भी बना सकता है मेरा व्लॉग देख के। बताइएगा कैसे लगे ये पैनियर। तो अगर आपको बनवाने हो तो आप मुझे ऑर्डर भी कर सकते हैं, अगर खुद से बना रहे तो खुद से भी बना सकते हैं मेरा व्लॉग देख के। ठीक है दोस्तों, चलो हमारी मोटरसाइकिल रेडी होगी, अब चलेंगे टूर पे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले व्लॉग पे फिर कहीं। ओके, बाय बाय, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।